नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। साल 2014 में देश ने एक मत से पीएम मोदी को पसंद किया था। तब एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला था और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। तब से मोदी सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां आई, कई परेशानियां सामने आई, कई पुराने साथियों ने साथ छोड़ा, लेकिन देश के लोग आज भी मोदी को ही देश की बागडोर देना चाहते हैं। अपनी इस स्टोरी में हम आपको उन दलों के बारे में बताएंगे जिन्होंने मोदी के कद को कम करने की चाल चली और अपना कद बढ़ाने के लिए मोदी सरकार से हाथ पीछे खींच लिया। आज हम साल 2014 के बाद से एनडीए का साथ छोड़ने वाले दलों के बारे में बताएंगे। तो शुरुआत किसान आंदोलन से ही करते हैं। किसान आंदोलन के बीच राजस्थान की हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए से अपने हाथ पीछे खींच लिए। किसान आंदोलन की शुरुआत में ही बीजेपी की पुरानी साझेदारों में से एक अकाली दल ने भी बीजेपी का साथ छोड़ा। तब हरसिमरत कौर ने किसान बिल को लेकर अपना इस्तीफा भी दे दिया था। अब आपको साल 2014 से अब तक के हालात बताते हैं। 2014 के आम चुनावों के बाद सबसे पहले एनडीए छोड़ने वाली पार्टी कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस रही। 3 साल बाद ये पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद इस पार्टी का हरियाणा में क्या हाल है, हर कोई जानता है। उसके बाद साल 2014 से 16 के बीच तमिलनाडु की 3 पार्टियों ने साथ छोड़ा था। इनमें पीएमके, डीएमडीके और एमडीएमके थी। हालांकि बीजेपी का साथ छोड़ते ही इन पार्टियों को हकीकत का पता चल गया और फिर दोबारा लौटकर अपने घर में ही ये आ गए। मतलब पीएमके और डीएमडीके दोनों ही पार्टियों ने साल 2019 में बीजेपी का साथ पकड़ लिया। इनके अलावा केरल की बात करें तो 2016 में केरल क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी और जनाधिपत्य राष्ट्रीय सभा ने एनडीए को छोड़ दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में राजनीति करने वाले किसान नेता राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी पक्ष ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया था। तो वहीं बिहार से भी जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के चलते एनडीए से टूट गई। लेकिन बीजेपी से अलग होने के बाद जब इन पार्टियों को अपनी हकीकत पता चली तो साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में ये पार्टियां भी एनडीए के साथ खड़ी दिखाई दी। यहां भी तमिलनाडु की तर्ज पर मांझी और साहनी की पार्टियां 2020 विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ खड़ी नजर आई। इनके अलावा ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में भाजपा के गठबंधन से अलग हुई। 2018 में आंध्र के लिए विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर तेलुगु देशम पार्टी ने भी भाजपा का साथ छोड़ा था। वहीं महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर हुए विवाद में शिवसेना ने भाजपा के धुर विरोधियों के साथ हाथ मिलाया, लेकिन यहां भी शिवसेना ने दोहरी चाल चली। राज्य में तो कांग्रेस का साथ और केंद्र में बीजेपी का साथ, कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन में भाजपा के 5 बड़े पार्टनर्स थे, टीडीपी, अकाली दल, शिवसेना, पीडीपी और जेडीयू। ताजा स्थिति ये है कि जेडीयू को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां एनडीए गठबंधन से अलग हो चुकी हैं या फिर दूरी बना चुकी हैं। पीडीपी को तो खुद भाजपा ने ही किनारे कर दिया। गठबंधन छोड़ने में सभी पार्टियों का अलग अलग मत है, लेकिन एक बात साफ है कि बेशक कई बड़ी पार्टियों ने एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया हो, लेकिन ना तो बीजेपी की बात कम हुई और ना ही पीएम मोदी की लोगों के बीच चाहत। अभी भी हर चुनाव में बीजेपी को बंपर मत मिलते हैं तो वहीं विपक्ष को हार। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।